टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आया हूँ वेस्ट टू वंडर पार्क, देख सकते हो आप। और इस पार्क में आपको वर्ल्ड के टॉप 7 बेस्ट प्लेसेस का नेचर देखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको अंदर ले चलते हैं और पूरे पार्क को एंजॉय करते हैं। तो गाइज ये यहाँ का है टिकट काउंटर और ये देख सकते हो यहाँ पर आपको टिकट वगैरह के प्राइस मेंशन हो रखे हैं, क्या प्राइस है यहाँ पर। और ये यहाँ का एंट्री गेट है। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं ग्रेट पिरामिड इजिप्ट में। तो ये देख सकते हो ये उसका मिनिएचर बना रखा है और कितना बढ़िया लग रहा है। और ये जो बना रखा है ये आपका जो वेस्ट मटेरियल हैंगर्स वगैरह होते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं उनसे बनाया गया है ये। तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये। एंड गाइज यहाँ पर एक ये भाई म्यूजिक मिल गए हैं जो कि अकेले यहाँ पर आए हैं, तो हम दोनों साथ में ही घूमेंगे पूरी वीडियो में और पूरा पार्क आपको दिखाएंगे कि कैसा है पार्क और इसमें पार्क में आपको कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस की मिनिएचर्स बने हुए हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये यहाँ का ये जो इजिप्ट का है ये चुके हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये देख सकते हो। और ये एक्चुअली में जो ये जो टेढ़ा हो रखा है ये रियल में ही ऐसा है और ये कितना बढ़िया लग रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा देख सकते हो एकदम कुतुब मीनार जैसा लग रहा है, बट कुतुब मीनार नहीं है ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। और इसके बारे में भी लिख रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई और इसका जो झुकाव है कितना है। गाइज अभी ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा को हम देख के अब जा रहे हैं आईफिल टावर। तो ये आईफिल टावर का वे है, यहाँ से आपको आईफिल टावर जाने का रास्ता मिलेगा। और ये आईफिल टावर के बारे में लिख रखा है यहाँ पर कि इसकी हाइट वेट और लेंथ कितनी दे रखी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। गाइज मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पैसा खर्च करके बाहर जाते हो ये सब चीज़ देखने के लिए और यहाँ पर इंडिया में आपको एक ही जगह पर ये 7 बेस्ट प्लेसेस के मिनिएचर्स दिखाए गए हैं, वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं देख सकते हो आप इस वीडियो में। और ये देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर बना रखा है इन्होंने ये पार्क, और आप फैमिलीज़ के साथ आ सकते हो, स्कूलिंग के बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है आईफिल टावर। इनमें देख सकते हो यहाँ पर ना लाइट्स वगैरह लग रखी है, तो अभी तो डे में तो आपको दिखेगा नहीं, अगर नाइट में आते हो तो नाइट में आपको लाइट्स वगैरह के साथ इसको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो सोलर सिस्टम लगा रखा है इससे इनकी लाइट्स वगैरह
जो होती है चार्ज वगैरह, और रात को ऑटोमेटिकली ये जल जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है लाइट्स के साथ। सो गाइस, यही था आईफिल टावर, और अब हम आईफिल टावर से निकल के दूसरे देश जा रहे हैं, वहाँ पर दिखाएंगे दूसरे देश का मिनिएचर। तो चलते हैं आगे। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर जो गार्डनिंग कर रखी है, पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, और पूरी जगह ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा है, देख सकते हो। और वो रहा आईफिल टावर जहाँ से अभी हम होके आए हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं कोलोसियम, ये देख सकते हो, और ये एक्चुअल रियल में जैसे बना रखा है, रियल का देख के बना रखा है, क्योंकि रियल में ये ऐसे ही टूटा हुआ है। और इसमें जो बनाया गया है, ये देख सकते हो आप, इसमें हैंगर वगैरह का यूज़ किया गया है, और ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसके नीचे पत्थर वगैरह डाल रखे हैं स्टूडेंट। एंड गाइज इसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है कि इसकी हाइट रेट और इसमें कितने पिलर और कितने स्कैप्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, कार व्हील्स 140 कार व्हील्स इसमें यूज़ किए गए हैं, देख सकते हो। और गाइज अगर ये अभी देखने में हाल ही में कितने अच्छे ना लग रहे हो, बट अगर आप इवनिंग में आते हो तो इवनिंग में इनमें लाइट्स वगैरह जलती है, जो कि बहुत अच्छा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को अपनी ओर, और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं शाम के टाइम। और अगर आप आना चाहते हो तो बेस्ट टाइमिंग है शाम को, क्योंकि शाम को आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं दूसरी कंट्री। एंड गाइस लोग यहाँ पर अपने बच्चों को भी लाते हैं जो बाहर नहीं जा पाते घूमने, उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये घुमाने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि वर्ल्ड के प्लेसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर बने हुए, जो जिनके मिनिएचर्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो लोग अपने बच्चों को यहाँ पर आके इंजॉय करवाते हैं और इंजॉय करते हैं पूरे पार्क को। तो चलते हैं आगे की, और आगे भी दिखाते हैं और भी चीज़ें, और हर जगह आपको ऐसी गार्डनिंग मिलेगी करी हुई बाउंड्रीज। सो गाइज अब हम आ चुके हैं इंडिया के बहुत ही बेस्ट प्लेस पे, जो कि है आगरा का ताजमहल, ये देख सकते हो मेरे पीछे। और इसके बारे में इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको इस बोर्ड पे, देख सकते हो। और ये रहा ताजमहल का मिनिएचर, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस ये जो बना रखा है, ये एक्चुअल में सेम हूबहू कॉपी कर रखा है, जैसे उसके बीच में फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं वैसे इसमें फाउंटेन्स वगैरह बना रखा है, और सेम उसी की कॉपी कर रखा है, ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह के थ्रू इसको बनाया गया है, छोटा सा मिनिएचर जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस ये देख सकते हो ये फाउंटेन जो बना रखा है सेम एकदम कॉपी कर रखा है रियल ताजमहल की तरह। और यहाँ पर ये चेन लगा रखी है, तो हम अंदर तो जा नहीं सकते, यहीं से देखना पड़ेगा, अगर अंदर जाने देते तो बहुत ही अच्छी बात होती।
सो गाइस अब हम आ चुके हैं रियो रेडिमर, जो कि ब्राज़ील की सबसे बड़ी स्टैचू मानी जाती है, और ये उसका मिनिएचर बना रखा है यहाँ पर। यहाँ पर दे रखा है कि इसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है और लेंथ कितनी है, देख सकते हो। और हर एक मिनिएचर के आगे आपको ऐसे चेन लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है इनको टच करना। और अब चलते हैं नेक्स्ट मिनिएचर की तरफ, तो आगे देखते हैं कौन सा मिनिएचर देखने को मिलता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये देख सकते हो। सो ये बना रखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मिनिएचर, कितना बढ़िया लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर मिनिएचर के आगे आपको ऐसे चेन लगा हुआ मिलेगा, जिससे कि आप अंदर नहीं जा सकते, इनको छू नहीं सकते, इनको बाहर से देख सकते हैं आप। गाइज यही था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये जो मेरे साथ भाई आए थे, तो भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सारा कुछ का जितना सेवन वंडर्स है वर्ल्ड के, सारा कुछ यहाँ पे मिनिएचर बने हुए हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दो दो मिनट में देश चेंज हो रहे हैं हमारे। तो दो मिनट में देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने अभी तक 6 कंट्रीज चेंज कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर के लिए आपको बहुत ही कॉस्टली पैसा खर्च करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ में इतना बढ़िया सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आप ही सोचिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो चलते हैं आगे की तरफ, और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। एंड गाइस यहाँ पर ये देख सकते हो वाटरफॉल बना रखा है, ये आर्टिफिशियल बना रखा है, इसे रियल ना समझे। और ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। इस जगह पर खड़े होके एक पुल बना रखा है छोटा सा, और इस पुल पे खड़े होके आप फोटो वगैरह बहुत सारी क्लिक करा सकते हो। और ये पीछे मेरे देख सकते हो ये झरना बना रखा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। सो अब इस झरने से निकल के अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं और भी देखते हैं इस पार्क में क्या क्या है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, ये बाहर का रास्ता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और देख सकते हो कि ये पार्क इतने छोटे सी जगह में कितना बढ़िया मेंटेन कर रखा है इन्होंने, और कितने वर्ल्ड के जो फेमस प्लेसेस हैं उनका मिनिएचर्स बना रखा है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूम के। और यहाँ पर ये कैंटीन बना रखी है, अगर आपको कुछ खाना हो तो यहाँ पर आके आप खा सकते हो। और ये देख सकते हो यहाँ की कैंटीन। एंड गाइस ये वो रास्ता है जहाँ से हम गए थे अंदर, और ये वापस आ चुके हैं हम बाहर की तरफ जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, ये वो गेट है। और यहाँ पर टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं ये, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो यहाँ जा सकते हो, जो कि एंट्री में शुरुआत में है। और यहाँ पर ये छोटी सी जीप देख सकते हो, कितनी बढ़िया लग रही है। एंड गाइस इस पार्क के बगल में ही है आईपी पार्क,
और आई पी पार्क का व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको अगर व्लॉग देखना है आई पी पार्क का तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस पार्क से एग्जिट करते हैं अब। एंड गाइज, यहाँ पर जो बाइक मैंने पार्क करी है उसका 20 रुपीज़ पर आवर है, उसके बाद आपको पर आवर जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह की भी फैसिलिटीज़ है और टिकट वगैरह आपको बता ही दिया है। Thank you.